बट यस, YouTube की ट्रॉफी YouTube पे ही पास ही आनी चाहिए, यानी कि अगर हमारी कम्युनिटी से कोई बंदा OTT में गया है तो वही जीत के वापस आए, हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत ही बिल्कुल कहते हैं ना आमने सामने की टक्कर, मतलब आप प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल कोई प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट है, कुछ भी हो सकता है। इतनी ज्यादा मतलब भूचाल सा आया हुआ है ना, YouTube में देख लो, Instagram में देख लो, Facebook में, मतलब सभी जगह इतना भूचाल सा आया हुआ है। सब जगह एल्विश फुकरे इंसान, एल्विश अभिषेक, इन्हीं के नाम चल रहे हैं। तो ये तो फॉर श्योर है कि दोनों के दोनों फिनाले तक जाने वाले हैं, और लास्ट में सलमान खान के हाथ में दोनों के ही हाथ होंगे, और बस इसी चीज का इंतजार है कि उन दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ऊपर होगा और कौन सा हाथ नीचे होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। एंड ये जो रिएक्शन वीडियो है ये आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बीबी का फिनाले बहुत ही नजदीक आ गया है, हमें इस बार बिग बॉस OTT2 का विनर मिल जाएगा। सो बिल्कुल टक्कर आमने सामने की है एल्विश यादव एंड फुकरे इंसान, और अभी की फिलहाल करंट वोटिंग लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले तक फुकरे इंसान आगे चल रहे थे, ट्रेंडिंग चल रहे थे, और एल्विश से ऊपर उनके वोट थे। लेकिन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, जो करंट वोटिंग की मैं बात करूं, तो 8 मिलियन पे आ चुके हैं एल्विश यादव, और वहीं पे 7 पॉइंट समथिंग पे हैं अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान। खैर आज और कल दोनों दिन वोटिंग लाइन ओपन है, तो जो भी आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उनके लिए जरूर वोट कीजिए। एंड मैंने अपनी ऑडियंस से अपील कर ली है कि देखो जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उन्हीं को वोट करो, मैं किसी पे भी अपने व्यूज और अपनी पसंद नहीं थोपना चाहती। मेरे फेवरेट है, मैं अपने एंड पे उन्हें वोट कर चुकी हूँ, और जो आपके फेवरेट है आप उनको जरूर वोट करिएगा। और उसके बाद बात करते हैं जो बिग बॉस हाउस से बाहर जो चीजें चल रही है उन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक जो है वो ऑलरेडी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके घर पे सारे ब्लॉगर्स भरे हैं, यानी कि जिसके घर के हर मेंबर्स का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, और ट्रिगर इंसान अपने भाई को बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहा है, यानी कि प्रमोशन के लिए उसने अपने फेलो बड़े बड़े क्रिएटर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एक साथ कर लिया है, और लाइव स्ट्रीम उनकी चल रही है, सो दैट कि जितने भी पर्टिकुलर यूट्यूबर्स हैं उनकी फैन फॉलोइंग भी फुकरे इंसान के लिए वोट करें। तो वोट की अपील के लिए ट्रिगर इंसान ने अपना यूट्यूबर होने का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है, और अपनी कम्युनिटी के सारे यूट्यूबर्स को एक साथ करके फुकरे इंसान के लिए वोटिंग करवाई जा रही है। वहीं पे बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव की फैमिली से ऐसा कोई भी व्लॉगर नहीं है जो उनके बिहाफ में इस तरीके की लाइव स्ट्रीम कर सके, तो एल्विश यादव का पूरा जो हैंडल कर रही है वो उनकी PR टीम हैंडल कर रही है, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स जो है वो अपील कर सकते हैं वोट की। लेकिन जिस तरीके से ट्रिगर इंसान फुल फ्लेज में अपने भाई का प्रमोशन कर रहा है, इस तरीके से एल्विश यादव की फैमिली नहीं कर सकती। लेकिन यस, एल्विश यादव के सपोर्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं, और इस चीज में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जिस दिन से एल्विश यादव की बीबी OTT में एंट्री हुई थी उस दिन से बहुत सारे लोगों ने OTT को फॉलो करना शुरू किया जो पहले फॉलो नहीं कर रहे थे। बहुत सारे वाव मोमेंट्स ऑडियंस को देखने के लिए मिले, बहुत सारे एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स देखने को मिले आफ्टर एल्विश यादव की एंट्री के। सो बहुत सारी रील्स बनी, बहुत सारे वन लाइनर्स वायरल हुए, ट्रेंडिंग हुए। ये जर्नी दोनों की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, दोनों की फ्रेंडशिप को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और बीच में इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। होप करते हैं कि शो से बाहर आने के बाद वो सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने वोट किया है ये जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये जरूर बताना कि आपको उन दोनों में से किसकी जर्नी अच्छी लगी। थोड़ी सी जर्नी के एंड में ना अभिषेक के अंदर एक प्राउड बिहेव, मतलब एक साइड देखी गई। अब क्या हो सकता है कि ये मेकर्स की चाल हो या मेकर्स की एडिटिंग का रिजल्ट हो, बट यस, एक थोड़ा सा एटीट्यूड वाला फ्रेम हमें देखने को मिला अभिषेक के एटीट्यूड में, जहां एल्विश जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से उनकी जर्नी अभी तक सेम थी, वहां पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी अभिषेक की जर्नी। बट यस, ट्रिगर इंसान फुल फ्लैग में बहुत अच्छे से अपने भाई का प्रमोशन कर रहा है, इनफैक्ट पूरी अभिषेक की फैमिली लगी हुई है प्रमोशन करने में, ट्रेंड्स पर ट्रेंड्स हो रहे हैं, PR टीम भी फुल एक्टिव है। सो रिजल्ट के लिए कल हम लोग फिर से एक बार रिएक्शन वीडियो देंगे, और आप लोग कल भी एक छोटा सा रिएक्शन हम लोग मॉर्निंग में या दिन के समय रखेंगे, तो उस पे मैं प्रिडिक्शन पूछूंगी कि आप लोगों की प्रिडिक्शन के हिसाब से
कौन विनर होगा. ओके सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून एंड टेक केयर.